can fly. हेलो सुपर फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेस 3 तक थैनोस ने हीरोज को काफी परेशान किया, तो फेस 4 से वही काम कैंग द कॉन्करर करने वाला है। अब थैनोस ने जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन मचाया, कैंग से उससे ज्यादा की उम्मीद है, जो अभी से लग भी रहा है। खैर, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एमसीयू के पास्ट एंड फ्यूचर बैडीज के बीच अगर कोई फाइट हो तो कौन सा सुपर विलेन दूसरे पर भारी पड़ेगा। अब ये वीडियो बनाने में मुझे काफी मजा आया है और मैं ये जो मजा है अपने हर एक व्यूअर को देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको करना बस ये है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो 3-4 दिन पहले ही आ जाता है, लेकिन लास्ट वीडियो के बाद से इतना ज्यादा हेडेक स्टार्ट हो गया अचानक से कि क्या बताऊं। 3-4 दिन तक लैपटॉप मोबाइल हेडफोन से बिल्कुल दूर रहा हूं, छुआ तक नहीं है। अब ठीक फील कर रहा हूं, तो वीडियोस फिर से स्पीड में ही आएंगे। सो अब थैनोस वर्सेस कैंग के शोडाउन को हम लोग 2 सेगमेंट्स में देखेंगे। पहले मूवीज के कॉन्टेक्स्ट में शोडाउन डिस्कस करेंगे और बाद में कॉमिक्स के बेसिस पर। तो शुरुआत मूवीज से करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मूवीज के बेसिस पर कंपैरिजन हो कैसे सकता है। थैनोस 10 साल से थ्रेट रहा एमसीयू में और कैंग तो एक एपिसोड में आते ही मर गया, फेयर ही नहीं है। तो लेकिन यार, एक एपिसोड से ही कैंग से रिलेटेड इतना मटेरियल मिल गया है कि उसको एमसीयू में ही थैनोस के अगेंस्ट कंपेयर कराया जा सकता है। लोकी के एपिसोड 6 में जो कैंग वेरियंट दिखाया गया, ही हू रिमेंस, वो भी एक तरह से कैंग ही है। और जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग कैंग के और भी अलग अलग वेरिएंट्स आगे के शोज एंड मूवीज में दिखाए जाएंगे, शायद एंटमैन 3 के बाद से दिखाए जाएं। अब जो कैंग वेरिएंट अभी दिखाया गया, लोकी शो में उसने अपनी टाइमलाइन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ था। अपने मरने से पहले तक पूरे यूनिवर्स में कब कहां क्या होगा, क्या हुआ, उसे सब पता था। और उस टाइमलाइन में किसी भी इररेगुलरिटी यानी कि नेक्सस इवेंट जैसी चीजों को टीवीए के जरिए कंट्रोल भी कर रहा था। इससे पहले हमें थैनोस एमसीयू में देखने को मिला, जिसकी स्ट्रेंथ के आगे यूनिवर्स के बड़े बड़े वॉरियर्स भी टिक नहीं पा रहे थे। इन्फिनिटी स्टोन्स, जो यूनिवर्स में कोई भी मनचाहा चेंज ला सकते थे, उनको उसने यूनिवर्स के कोने कोने से कई सारे सुरमाओं को मार के इकट्ठा किया था। उसके लिए एक गॉन्टलेट भी बनवाया जो इतनी पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सके, और लास्ट में एक चुटकी में ही आधा यूनिवर्स खत्म कर दिया। सारे एवेंजर्स ने मिलकर हर तरह से थैनोस को मारने की कोशिश की, लेकिन थैनोस के पास उनके हर अटैक और हर वेपन का जवाब था। लास्ट में उसे केवल इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके ही मार पाए एवेंजर्स, जिसके लिए एवेंजर्स का भी काफी कुछ सेक्रीफाइस हो गया। लेकिन लोकी एपिसोड 6 में हमने देखा कि कैंग वेरिएंट यानी ही हू रिमेंस ने मिस नट्स के जरिए लोकी को ऑफर दिया कि अगर वो लोग कासल से लौट जाएं तो लोकी की कोई भी इच्छा वो पूरी कर देगा। यानी कैंग चाहे तो लोकी के हाथों थैनोस को मरवा सकता है, और कैंग लोकी को एक झटके में इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद स्टोन्स भी दे सकता है, मतलब शायद बिना सेक्रीफाइस के सोल स्टोन भी मिल जाए। और इसका मतलब ये कि जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करना थैनोस और एवेंजर्स जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, कैंग वेरिएंट ये पावर ऐसे ही किसी को भी दे सकता था। और थैनोस, जिसको मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द यूनिवर्स मानते थे हम लोग 2019 तक, कैंग उसको किसी के भी हाथों मरवा सकता है। ये सिंगल फीट ही सफिशियंट है कैंग को थैनोस के अगेंस्ट सुपीरियर दिखाने के लिए, क्योंकि कैंग वेरिएंट केवल ये जानता ही नहीं था कि पूरी टाइमलाइन में उसके मरने से पहले क्या क्या होने वाला है, बल्कि वो इस टाइमलाइन के अंदर के इवेंट्स को चेंज भी कर सकता था। अब कोई कह सकता है कि अगर कैंग वेरिएंट इतना ही तीस मार खान है तो सिल्वी उसे इतनी इजीली मार कैसे पाई? तो क्या सिल्वी कैंग से भी ज्यादा पावरफुल है? तो मेरे दोस्त, सिल्वी जब उसे मारने आई तो ही हू रिमेंस ने जरा सा भी रिटेलिएट नहीं किया, बैठे बैठे हंसते हंसते सिल्वी का चाकू अंदर ले लिया। दूसरी चीज ये कि कैंग वेरिएंट अपने मरने से पहले तक के हर टाइमलाइन इवेंट के बारे में जानता था, जिसमें थैनोस का मरना भी शामिल था। यानी जिस तरह से उसे पता था कि सिल्वी एंड लोकी टीवीए से भागकर पावरफुल एलियोथ से बचकर ही हू रिमेंस के एग्जिस्टेंस का पता लगा लेंगे, उसी तरह से उसे यह भी पता होगा कि सो कॉल्ड सेक्रेट टाइमलाइन में किसी भी तरह से थैनोस उस तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए अपने लास्ट टाइम में भी वो चिल मार रहा था, क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम तक ये सब संभाला हुआ था। और अब अगर सिल्वी उसे मार भी देती है तो ये एक तरह से इस यूनिवर्स के लिए ही डेंजरस होगा, क्योंकि फिर मल्टीवर्स को रोकने के लिए वो यहाँ पर होगा नहीं और दूसरे कैंग सब कुछ कॉन्कर करने आ जाएंगे। इसीलिए वो अपने लास्ट टाइम में भी चिल था। यही डिफरेंस है थैनोस और इस कैंग वेरिएंट में कि थैनोस जिस यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता था और मर भी गया इसके पीछे, एक्चुअली कैंग उस यूनिवर्स / मल्टीवर्स को बैलेंस किए हुए था। मतलब जहां थैनोस के सपने पूरे होते हैं वहां से कैंग का स्ट्रगल शुरू होता है। तो इसीलिए मूवीज में कैंग थैनोस से अथॉरिटी एंड बैलेंस कंट्रोल के मामले में सुपीरियर है। तो अब मूवीज के बाद बात करते हैं कॉमिक्स की, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैंग एंड थैनोस दोनों ने यूनिवर्स लेवल डिस्ट्रक्शन किया है। थैनोस के बारे में तो थैनोस वर्सेस एपोकलिप्स और थैनोस वर्सेस डार्कसाइड जैसे वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया ही है। इसीलिए पहले कैंग द कॉन्करर की पावर्स देखते हैं। तो कैंग 31st और 40th सेंचुरी का वॉरलॉर्ड है, जिसने अपने टाइम के सारे वर्ल्ड्स को कॉन्कर कर लिया। और बाद में जब अर्थ कमजोर होने लगी तो कैंग ने एक टाइम मशीन बनाई और एक बैटल आर्मर बनाया, और इसकी हेल्प से वो पास्ट के वर्ल्ड्स को कॉन्कर करने निकल पड़ा। और यहाँ पर हम नथानियल रिचर्ड्स वाले कैंग की बात करेंगे। अब कैंग के पास ऐसे कोई खुद की सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है। अब ऐसा नहीं कि कैंग अपने आर्मर, अपनी शिप और अपने वेपन्स के बगैर फाइट नहीं कर सकता है, बल्कि वो बिना इन सब चीजों के भी ठीक ठाक फाइट कर सकता है। कैंग का बैटल आर्मर उसे कई तरह की पावर्स देता है, जैसे वो कैंग की तरफ होने वाले किसी भी अटैक के लिए उसे इंस्टेंटली अलर्ट कर देता है। कैंग किसी भी प्रोजेक्टाइल को सब स्पेस में भेज सकता है।
कैंग के सूट में एक बिल्ट इन टाइम मशीन है, यानी कभी भी कहीं से भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। ये आर्मर उसकी इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हर तरह के डिफेंस और अटैक से लैस है। कैंग दूसरों को भी टाइम में आगे पीछे भेज सकता है, खासकर बीच फाइट से ही वो अपने ओपोनेंट्स को फाइट से गायब करके टाइम में आगे पीछे भेज देता है। ये भी एक अच्छा तरीका है फाइट जीतने का। कैंग शेप शिफ्ट भी कर सकता है, एक बार अपनी शक्ल बदल कर थॉर को ऑलरेडी कंफ्यूज कर चुका है। कैंग के पास फ्यूचरिस्टिक सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी है, जिनके पास हाई टेक वेपन्स एंड व्हीकल्स हैं। कैंग को कॉन्करर का टाइटल क्यों मिला, इस फीट से भी पता चलता है कि जहां उसने मेन 616 अर्थ को कॉन्कर कर लिया, मतलब जहां आपके सारे फेवरेट सुपर हीरोज हैं, और यहां पर अर्थ के लोगों ने हार मानकर उसको अर्थ दे दी थी। कैंग ये सब अपनी इंटेलिजेंस और अपनी विल पावर से कर पाता है, एक ऐसा विलेन जिसे केवल रूल करना अच्छा लगता है। उसके बैटल आर्मर में बहुत सारे डिवाइसेस एंड फीचर्स हैं, जैसे एंटी ग्रेविटी डिवाइस, टाइम ट्रेवल डिवाइस, कंकसिव बोल्ट्स जो हजारों टन डायनामाइट के बराबर ब्लास्ट जनरेट कर सकते हैं। और कैंग का जो सबसे बड़ा फीट मुझे लगता है वो ये कि एज ऑफ द स्पेस टाइम में उसने ट्रॉफी रूम बनाया है, जिसमें मार्वल यूनिवर्स के बड़े बड़े सुपर हीरोज एंड विलेंस को मारकर उनकी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड, डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, आयरन मैन का मॉडल 1 and 2 आर्मर और कई सारे हेलमेट, अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयर, थॉर का म्योनर, डॉक्टर डूम की फेस प्लेट, नोवा का हेलमेट, सिल्वर सर्फर की सर्फ बोर्ड, मोडॉक के कुछ पार्ट्स, सेंटिनल्स, जगरनॉट का हेलमेट, स्पाइडरमैन, निक फ्यूरी और बहुत सारे म्यूटेंट्स, हल्क, होस्ट राइडर, आई ऑफ अगामोटो, विजन, मैस्ट्रो, शी हल्क, ब्लैक बोल्ट, फिन फैंग फूम, डेयर डेविल और मिस्टर फैंटास्टिक। इन सारे लोगों को कैंग ने मारकर इनकी चीजें अपने ट्रॉफी रूम में सजाई हुई हैं, तो समझ लो कितना खतरनाक है ये। अब ये तो बात हुई कैंग की, थैनोस भी कैंग से कम नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठे करके स्नैप करके आधे यूनिवर्स को खत्म कर चुका है। कैंग के पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है, जबकि थैनोस एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है आंखों से और हाथों से। इसके अलावा मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, एक बार एक स्क्रिल को स्टोन में बदल चुका है। थैनोस के पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटी भी है, जिससे वो एक बार मियोनर को भी बीच हवा में रोक चुका है। तो पर्सनल सुपर पावर्स के मामले में थैनोस कैंग से आगे है। अब कैंग की ही तरह थैनोस भी काफी इंटेलिजेंट है, और वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज करता है। उसने खुद अपना एक इन्फिनिटी स्टोन जैसा सिंथेटिक जेम बनाया हुआ है, एक बार अपने और गैलेक्टस के डीएनए को यूज करके सुपर पावरफुल क्लोन ओमेगा थैनोस ही बना चुका है। थैनोस की ट्रिकरी के आगे मार्वल यूनिवर्स की बड़ी बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज भी फंस चुकी हैं। मिस्टर स्टेथ के रिजेक्शन की वजह से एक कॉमन बिलीफ है कि थैनोस मर नहीं सकता है, यानी वो इमॉर्टल है। वैसे कई बार उसको कॉमिक्स में मरा हुआ दिखाया गया, बट वो वापस जिंदा हो जाता है। द इन्फिनिटी एंडिंग स्टोरी लाइन में थैनोस ने अपने फ्यूचर वर्जन के साथ मिलकर कई कॉस्मिक एंटिटीज, एटर्निटी, इन्फिनिटी, मिस्टर स्टेथ, गैलेक्टस, द लिविंग ट्रिब्यूनल और यहां तक कि द वन अबव ऑल द को एब्जॉर्व कर लिया, जिससे वो कुछ टाइम के लिए द मोस्ट पावरफुल बीइंग बन गया था। अब कैंग एंड थैनोस दोनों विलन्स हैं, तो कई बार इतने पावरफुल होने के बावजूद उन्हें हारना ही पड़ता है। लेकिन अगर दोनों सुपर विलन्स के थ्रेट लेवल को देखें तो थैनोस गैलेक्टिक लेवल या फिर यूनिवर्स लेवल कैरेक्टर है, जबकि कैंग एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है। डिस्ट्रक्शन लेवल दोनों का बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को कैंग ने हराया है उनको थैनोस ने भी हराया है, मतलब लगभग आपके सारे फेवरेट सुपर हीरोज एंड विलन्स। पर्सनली थैनोस जितना स्ट्रॉन्ग और सुपर पावरफुल है, कैंग की पर्सनल स्ट्रेंथ उसके आसपास भी नहीं है। और कैंग के पास जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है, थैनोस के लिए उस लेवल के रिसोर्सेज केवल एक ड्रीम है। मतलब थैनोस से लड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, और कैंग से लड़ने के लिए आपको उससे स्मार्टर होना पड़ेगा। तो ये ब्रेन वर्सेस ब्रॉन की फाइट है। अब सच बताऊं तो अगर ये शोडाउन मैंने 2 महीने पहले बनाया होता तो डेफिनेटली इसका विनर थैनोस होता, क्योंकि कॉमिक्स में थैनोस के रेपुटेशन और फीट्स इतने कमाल के हैं कि सुपर विलन्स के मामले में वो मार्वल कॉमिक्स में कैंग से काफी ऊपर रैंक करता है। मतलब किसी से भी मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े विलन का नाम पूछो तो थैनोस और गैलेक्टस जैसे लोगों का नाम ही लेगा। और थैनोस और कैंग में मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी थैनोस है। लेकिन इसी जून में मार्वल की एक कॉमिक्स एवेंजर्स मैक स्ट्राइक का इश्यू 4 रिलीज हुआ है, जिसमें थैनोस और कैंग के बीच फाइट देखने को मिली, जहां कैंग ने एक डेड सेलेस्टियल को कंट्रोल करके और उसकी पावर को गेन करके काफी पावरफुल हो गया। दूसरी तरफ एवेंजर्स की हेल्प कैंग के अगेंस्ट करने आता है थैनोस, जिसको टोनी स्टार्क ने स्पेशली डिजाइंड मेक सूट दिया है, मतलब थैनोस की खुद की पावर प्लस टोनी स्टार्क का आर्मर। और इस आर्मर को पहनकर थैनोस सीधे कैंग को मारने पहुंचता है, लेकिन मास्टर ऑफ टाइम कैंग ने थैनोस की गर्दन पकड़कर उसकी पूरी लाइफ स्पैन को 1 सेकंड में ही पूरा कर दिया और थैनोस को मार दिया, यानी 1 सेकंड में थैनोस की पूरी जिंदगी गुजर गई। तो मार्वल के इस अपडेट ने कैंग को थैनोस के अगेंस्ट अपर हैंड दे दिया है, और इसीलिए मेरे ना चाहते हुए भी इस शोडाउन का विनर कैंग द कॉन्करर है। अब वैसे मार्वल के भी अपने रीजंस हैं, थैनोस को तो एमसीयू में यूटिलाइज कर चुके हैं, अब कैंग एमसीयू का फ्यूचर है, इसीलिए उसे थैनोस से ज्यादा पावरफुल दिखाना जरूरी भी है। अब ऐसे कई फीट्स हैं दोनों कैरेक्टर्स के जो बचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी फाइट से रिलेवेंट थे मैंने बता दिए हैं। वैसे अभी काफी सारी मूवीज आने वाली हैं इस साल, आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताइए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।